फैजू और चेतना में हुआ कड़ा मुकाबला। फैजू का एक बार फिर से पड़ा पानी से पाला। आखिरकार क्या कुछ हो रहा है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में ये वीक जारी है टीम वीक, जहां पर फियर फंदा और विनर वाले कंटेस्टेंट्स को मिल रहा है ये मौका कि वो करेंगे डिसाइड कि कौन करेगा अगला यानी कि आने वाला स्टंट। जहां पर इस वॉर्ड स्टंट के लिए चुना गया था मिस्टर फैजू और चेतना पांडे को। वेल स्टंट के दौरान जहां पर स्विमिंग पूल में इन्हें एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर लटकाया जाएगा और कर दिए जाएंगे इनके एक हाथ और दोनों पैरों को लॉक। वेल जैसे ही रोटेशन होगा शुरू इन्हें करना होगा खुद को अनलॉक। वेल स्टंट को सबसे पहले करने पहुंची थी चेतना पांडे, जहां बखूबी स्टंट को किया चेतना ने पूरा, जिसे देखकर रोहित शेट्टी भी हो गए थे काफी इंप्रेस। वहीं दूसरा स्टंट परफॉर्म करने पहुंचे मिस्टर फैजू। वेल फैजू को है पानी से फोबिया, जहां पर रोहित शेट्टी से वो इस बात को जाहिर करते हुए नजर आए। वेल पानी का स्टंट हमेशा से ही रहा है फैजू के लिए काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन इस स्टंट को फिर भी उन्होंने किया पूरी तरह से कंप्लीट। वेल स्टार्टिंग में फैजू को हुई थोड़ी प्रॉब्लम क्योंकि उनका लॉक नहीं हो रहा था अनलॉक, लेकिन फिर भी इस स्टंट में मार ली है फैजू ने बाजी। वेल जहां पर इस स्टंट को पूरा किया चेतना ने 12 मिनट और 45 सेकंड्स में, वहीं फैजू ने इस स्टंट को कंप्लीट किया 10 मिनट और 57 सेकंड्स में। वेल जिसके चलते बन गए फैजू इस स्टंट के विनर और चेतना को मिला फियर फंदा। अब तक चेतना, रुबीना और तुषार को मिला है फियर फंदा, वहीं निशान, फैजू और मोहित को मिली है जीत। अब देखना होगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प कि आखिरकार कौन से खिलाड़ी करेंगे इन्हें ज्वाइन एलिमिनेशन स्टंट में। वेल आपको कैसा लगा फैजू और चेतना का ये स्टंट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज़ और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।